आज मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर लेके चलूँगा जहाँ पर ब्लॉक बी है, और ब्लॉक बी में भी कुछ विलास बन रहे हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं। तकरीबन जो विलास हैं वो तकरीबन सोल्ड आउट हैं। अब जो ब्लॉक बी है इसका, जो कि फॉरेन ब्लॉक ए के बाद है, वहाँ पर कुछ विलास बने हुए हैं, तो आज मैं आपके लिए वो भी शेयर करता हूँ। खूबसूरत खूबसूरत गेंदे के फूल लगे हुए हैं। अगर आपको इन विलास की बुकिंग करवानी है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, उसकी डिटेल आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। बुकिंग के हवाले से तमाम डिटेल मैं आपको फ़ोन पे मुहैया कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजा असवानी। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 3 में मौजूद हूँ। फेज़ 3 में जो विलास बन रहे हैं उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया था। यहाँ की जो अपडेट है उसके हवाले से भी मैंने कई वीडियोज़ बनाई है, कंस्ट्रक्शन के काम के हवाले से मस्जिद के ऊपर। आज मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर ले कर चलूँगा जहाँ पर ब्लॉक बी है, और ब्लॉक बी में भी कुछ विलास बन रहे हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं जो फ्रंट ब्लॉक ए में बने हुए उससे, तो थोड़ी सी अपडेट अंदर चल के आपके लिए शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको दिखलाता हूँ कि खूबसूरती में किस तरह इजाफा करती है जेफ़ेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपनी सोसाइटीज़ के बाहर जो पार्क्स लगाती है। आप देख सकते हैं, अगर आप उस साइड पे देखें तो ये खूबसूरत खूबसूरत गेंदे के फूल लगे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो एक तरतीब दी गई है फूलों की, वो उससे राहदारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है। यानी कि पार्क का जो एक लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त व्यू बन रहा है। इसी तरह ये आबादी अंदर से विलास की शक्ल में भी इसी तरह गुल बूटों की तरह वहाँ पर सजे हुए हैं। तो चले अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपके लिए कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के मुस्तनद अमला है उसमें लाशारी साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाशारी भाई, कैसे हैं आप? सभी तो फिर सही नहीं है सुना आपकी, बस ऐसे ही चल रहा है टेम्परेचर, लेकिन काम आप 100% कर रहे हैं माशाल्लाह से। लाशारी भाई की तबीयत सही नहीं, लेकिन उसके बावजूद काम में अपने माहिर हैं। तो व्यूअर्स अंदर चलते हैं, अंदर चल के कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दें। लाशारी भाई अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, सिक्योरिटी के हवाले से तो मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है जेफ़ेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। हमारे भाई लोग इस तरह माशाल्लाह से जो जवान खून है वो इस तरीके से खड़ा होता है, मुस्तैद होता है, अपने कामों पर मामूर होता है। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपके लिए डिटेल शेयर करते हैं, आ जाए। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इससे पहले वाली गली जो कि गेट से दाखिल होते ही पहली गली है, उसके बाद ये मस्जिद वाली गली है जिसमें पेवर का काम आगे हो चुका है, और यहाँ पर जो विलास की कंडीशन है, जो बनने की रफ्तार है, वो बहुत तेज़ हो चुकी है। ब्लॉक ए में तकरीबन जो विलास हैं वो तकरीबन सोल्ड आउट हैं। अब जो ब्लॉक बी है इसका, जो कि फॉरेन ब्लॉक ए के बाद है, वहाँ पर कुछ विलास बने हुए हैं, तो आज मैं आपके लिए वो भी शेयर करता हूं। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के उन विलास की भी डिटेल आपके लिए शेयर करता हूं। आ जाए अंदर। ब्लॉक बी में, ए के बाद मैं बी में दाखिल हो गया हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दो विलास इस वक्त तैयार हुए हैं, जिसे आप मॉडल विला भी कह सकते हैं, और ये अपनी खूबसूरती में अपना आप इतनी मिसाल रखते हैं। और एक चीज़, छोटा सा पार्क उन विलास के सामने बना हुआ है। इस तरह के कई पार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ पूरी बाउंड्री वॉल के अंदर बने हुए। तो ये वो पोर्शन है जो मैंने इससे पहले अपनी किसी वीडियो में आपके लिए एक्सप्लोर नहीं किया था। ये मेन गेट से जैसे ही आप दाखिल होंगे, शुरू के जो विलाज हैं उसके बाद आई लव जीएफएस लिखा हुआ आपको नजर आएगा, वही रास्ता जब आप राइट पे मोड़ते हैं तो ये ब्लॉक बी का पोर्शन शुरू हो जाता है। और उस साइड पे भी देखें आप तो वहां पर भी दो मॉडल विला तैयार हो चुके हैं जो कि पोजिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी तरह यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है। पूरे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 3 के अंदर अपडेट के हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जिसमें भी काम बाकी रह गया, और थोड़ा बहुत काम जो है वो अभी हो रहा है और जो आने वाले दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सीवरेज के हवाले से अपडेट 100% है, पानी की फराहमी मुसलसल है, लाइट्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो पेवर का काम है वो भी किसी हद तक हो गया है, कुछ गलियाँ रह गई हैं वहाँ पर भी पेवर का काम
काम हो रहा है। अभी थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और अंदर चल के और आपको ब्लॉक बी के कुछ पोर्शन दिखलाता हूँ ताकि आपको फेज थ्री के बारे में मुकम्मल आगाही मिल जाए। तो चलें थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर चल के डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। आ जाए मज़ीद अंदर आने के बाद आप ये जगह देख सकते हैं। अगर आप इस साइड पर देखेंगे तो ये भी विलाज हैं जो कि बन रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पीछे एक विला नज़र आ रहा है जिसको पर मैंने एक वीडियो अंदर से इसको एक्सप्लोर किया था आपके लिए। और ये तमाम जो पोर्शन है यहाँ पे भी विलास की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। आपको मैंने ब्लॉक बी में दाखिल होते ही चार विलास जो कि मॉडल विलास बने हुए हैं वो दिखलाएं, और इसके अलावा एक अंदर के पोर्शन में है जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर भी एक अदर छोटा सा तिकोन सा पार्क बनाया गया है जो कि शाम में बैठने के लिए यहाँ के रहने वालों को, जब वो यहाँ पे लोग आ जाएंगे तो उनके लिए ये जगह एक खुशगवार लम्हात लेकर आएगा। तो व्यूवर्स ये थी नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ थ्री के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के ऊपर पूरी एक अदद मालूमात जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जिस तरह यहाँ पर काम की रफ्तार तेज़ होती रहेगी मैं आपके लिए वीडियो शेयर करता रहूँगा। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपको इन विलास की बुकिंग करवानी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उसकी डिटेल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे मालूम कर सकते हैं। बुकिंग के हवाले से तमाम डिटेल मैं आपको फ़ोन पे मुहैया कर दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें रिज़ाबाद के चैनल को, और अपने होस्ट हसन अज़ेस्वानी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।